गुड इवनिंग माय डियर, इस वीडियो में आप बात करेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा गैल्वेनोमीटर होता क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एमीटर यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए, और वोल्टमीटर यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज नापने के लिए, और कई बार हम गैल्वेनोमीटर यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए। लेकिन अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं, तो एक एमीटर की सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है करंट नापने के लिए, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है गैल्वेनोमीटर से, तो वो ज़्यादा अच्छा करंट को कैलकुलेट करता है। लेकिन एमीटर के अंदर एक गड़बड़ है, एमीटर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए बनाया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट एज वेल एज वोल्टेज को नाप सकता है। अगर मैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम कर दूं, तो वो एमीटर बन जाएगा, और अगर अधिक से अधिक कर दूं, तो वो एक वोल्टमीटर की तरह बिहेव करेगा। गैल्वेनोमीटर हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, अक्रॉस एनी वायर और इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। गैल्वेनोमीटर हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में भी पढ़ते हैं, डेडबीट गैल्वेनोमीटर एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। ये दोनों गैल्वेनोमीटर उस ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर के मुकाबले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो गैल्वेनोमीटर हम क्लास 12th में पढ़ते थे। ये सेंसिटिव सिर्फ इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि आप किसी इंस्टेंट टाइम के लिए भी फ्लो ऑफ चार्ज या इंडक्शन ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो या ट्रांजिशन करंट या स्टॉपिंग करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैं कहूँ तो एडी करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट और वाटलेस करंट को नाप सके। दरअसल हम जो गैल्वेनोमीटर पढ़ते थे क्लास 12th में, उस गैल्वेनोमीटर में क्या था, वो सिर्फ कन्वेंशनल करंट को नापता था, जो करंट इलेक्ट्रिक चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, या फिर उसे नापता था जो कंडक्शन करंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायरेक्शन में चलता है। उसकी सेंसिटिविटी कम थी, वो कम सेंसिटिव था। उसकी सेंसिटिविटी कम होने का मेन कारण क्या था, जो उसका कोर था, सॉफ्ट आयरन कोर जो रखते थे आप, उसका साइज छोटा था। जब उसका साइज छोटा था तो उसकी रोटेशन छोटी होती थी, रोटेशन छोटी होती थी तो डिफ्लेक्शन कम देता था, डिफ्लेक्शन कम देता था तो उसकी सेंसिटिविटी कम थी। तो उसकी हमने क्या किया, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में हमने उसकी कोर को थोड़ा सा बढ़ाया। जब हमने उसकी कोर को बढ़ा दिया, तो वो कोर बढ़ने से उसका जो रोटेशन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, और रोटेशन बड़ा होगा तो डिफ्लेक्शन भी आपको ज़्यादा मिलेगी, और उसे कहा हमने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से हम मेनली क्या कैलकुलेट करते हैं, ट्रांजिशन करंट जो इंस्टेंट टाइम के लिए पैदा हुआ है, या कुछ भी ऐसा करंट नाप सकते हैं हम, ऐसा चार्ज नाप सकते हैं जो बहुत ही कम सेकंड्स या सेकंड के भी 10वें 100वें 1,00,000वें हिस्से में पैदा हुआ। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर से। लेकिन इसकी संरचना, इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर से मिलती है। जैसे कि हम ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर में क्या करते थे, दो अपोजिट पोलैरिटी के पोल लेते थे जो परमानेंट मैग्नेट के होते थे, नॉर्थ एंड साउथ, और उसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर लेकर उसके ऊपर वाइंडिंग कर देते थे हम सॉफ्ट आयरन उसकी कॉपर वायर की। वहाँ हम रेक्टेंगुलर कोइल लगाते थे और कोइल को एक टॉर्सल हेड से कनेक्ट कर देते थे। जब उसके अंदर करंट पैदा होता था तो कोइल रोटेशन करती थी तो आपको डिफ्लेक्शन मिल जाती थी। यहाँ भी सेम ऐसा ही है। दरअसल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या है, इट इज सुटेबल गैल्वेनोमीटर विच इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज मोर करेक्टली प्लेस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ करंट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मैंने कहा ना इंस्टेंट टाइम के, डिस्प्लेस्ड बाय द वेरिएशन ऑफ करंट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जिस इंस्टेंट की टाइम की जरूरत पड़ी थी, उस इंस्टेंट टाइम में कितना चार्ज कैपेसिटर ने कैप्चर किया या डिस्चार्जिंग में कितना अपना न्यूट्रल कर दिया, तो उस टाइम के लिए उस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या है, ये उस इलेक्ट्रिक करंट को भी कैलकुलेट कर सकता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण, उसके चेंज के कारण पैदा होता है, मतलब जिसे हम क्या कहते थे, एडी करंट, या वो इंड्यूस्ड करंट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण चेंज हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो चेंज हुआ है उसे भी, सॉरी, एडी करंट मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण चेंज होता है, पैदा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण पैदा। तो उन दोनों करंट को भी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें परमानेंट मैग्नेट के दो अपोजिट पोल होंगे, एक टॉर्शन हेड से
फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप कनेक्ट होगी। फॉस्फर ब्रोंज की स्ट्रिप इसलिए ली गई है क्योंकि जब एक करंट कहीं कोई होगी, जब इस कोयल के अंदर करंट आएगा, करंट आने पर यह रोटेशन लेगी और यहां से टूट सकती है। लेकिन फॉस्फर ब्रोंज स्ट्रिप एक ऐसी होती है जिसका टोर्क पर ट्विस्ट मिनिमम होता है, मतलब अगर नीचे से उसके 50 ऐठन आएंगे तो ऊपर से सिर्फ एक ऐठन आएगा और टूटने की प्रोबेबिलिटी 150 हो जाएगी। इसमें एक यहाँ कॉनकेव मिरर लगा होता है, कॉनकेव मिरर आपको डिफ्लेक्शन के बारे में नॉलेज देगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है। और इसके बाद यहाँ एक हॉर्सशू स्प्रिंग होगा, ये भी हमने इसीलिए लगाया है ताकि इस वायर से इस कोयल की कनेक्टिविटी टूट ना जाए। जब हम यहाँ एक हॉर्सशू स्प्रिंग बनाएंगे जो फॉस्फर ब्रोंज का ही बना हुआ होता है, तब यहाँ से टूटने के इसके चांस कम होंगे। और इसकी वाइंडिंग भी मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कर दी है, एक सॉफ्ट आयरन मटेरियल के ऊपर कर देंगे तो आप जिसका साइज बड़ा हो ताकि रोटेशन ज्यादा हो, रोटेशन ज्यादा हो तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो। तो इसकी भी वर्किंग हमारे ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर के जैसी है। बस दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें साइज छोटा होने के कारण रोटेशन कम थी, टोर्क कम अप्लाई होता था और वो इंस्टेंट टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट को नहीं नाप पाता था। ये इंस्टेंट टाइम के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकता है। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, ये चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में भी काम आएगा। मैं आपको नोट सेंड करूंगा अपने इंस्टा पर, इंस्टा की आईडी लिख लीजिएगा विशाल त्यागी 786 अंडर बाहर साफ है वो लोग बता देगा, ठीक है नहीं? तो उस पर मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा इसके। और ये टॉपिक आपके ग्रेजुएशन सेकंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 नंबर के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेडबीट गैल्वेनोमीटर। डेडबीट गैल्वेनोमीटर भी थोड़ा सा अलग है बस इससे, बाकी डेडबीट गैल्वेनोमीटर भी आप इस तरीके से ही पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको ये समझाया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।